अस्सलाम वालेकुम। आज जो है दोबारा से आप लोगों ने मैच देखा, जो रिजल्ट आया सबके सामने वो सबने देख लिया और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान मुसलसल जीत भी रहा है। अल्लाह ताला ने चाहा तो आगे भी इंशाल्लाह T20 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान के नाम होगा और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं अपनी एक दुआ भी है, बद्दुआ भी है कि अल्लाह ताला ने किताब नाजिल की और जल्द हिसाब लेने वाला है और मुखालिफ गिरोह जो हैं उनसे अल्लाह ताला इंतकाम और हिसाब लेगा और उन्हें हिला के रख देगा कि यहूदी ईसाई जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर या दूसरे ममालिक जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं उनका हिसाब भी हो जाएगा। एक हम बात करते हैं आज मैच की। मैच के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि आज शुएब मलिक ने दोबारा छक्के जो लगाए हैं और ये जो है दूसरे ममालिक को जो मुखालिफ लोग हैं उनकी बात आंखों के अंदर ये चीज़ें चुभ रही हैं। अफगानिस्तान और इंडिया का जो मैच हुआ वो भी ऑलमोस्ट जो है फिक्स ही था और हमें नज़र भी आया कि उसमें जो उसने बात बोली तो उससे यही लगता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मैच फिक्स था। अब यहाँ पे फिक्स होने की वजूहात क्या थी, रीज़न क्या थे, ये तो अभी तक कोई कह भी नहीं सकता कि इसके पीछे क्या रीज़न है, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच काम करती है कि अभी भी इंडिया अफगानिस्तान की तरफ झुक रहा है सिर्फ इसलिए कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाऊँ। और जो लोग ये समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान अलग अलग हैं मैं समझता हूँ कि वो ये भी गलती कर रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, उसे अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, लेकिन ये ऐसे लोग, ऐसे ज़ायनिस्ट लोग बैठे हुए हैं इंडिया के अंदर भी जो हर वक्त सिर्फ सोचते रहते हैं दूसरे ममालिक का नुकसान और स्पेशली उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट पाकिस्तान ही होता है जो हमेशा से, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोज़ जो बनाई उसके अंदर मैंने जर्नलिस्ट हैं बाहर के उनका भी बयान आपको सुनवाया था, दिखाया था कि वो लोग क्या कहते हैं। वो भी यही कहते हैं कि असल जो दुश्मन है पाकिस्तान वो है ही इंडिया और शुरू से ही वही टारगेट करता आया है पाकिस्तान को। फितना साजी, दजाली निज़ाम, ये सब कुछ जो है इंडिया ही करवाता है और इंडिया समझता है कि मैं बड़ा कोई काम कर रहा हूँ, लेकिन उसे नहीं पता कि ये लानत के तौर पर उसे सब कुछ मिला हुआ है और ये इक्तदार, ये ताकत, ये सब कुछ एक लानत के तौर उसे मिला हुआ है और जो उस पर बरसती रहेगी सारी ज़िंदगी। और ये इसमें जो मैच वगैरह की अगर बात की जाए तो मैच के हवाले से भी अल्लाह ताला उसे ऐसे ही जलील करेगा, क्योंकि मुसलमान को है जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है, चाहे कश्मीर की बात हो, बम्बई की, दिल्ली की या राजस्थान वगैरह की, इन एरियाज़ की, वो सारी की सारी दुनिया के सामने आती जा रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाबियाँ अता फरमाए इंशाल्लाह। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।